भोपाल में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा हटाकर उसके स्थान पर पूर्व सीएम अजय सिंह की प्रतिमा लगाई जा रही है। आजाद की प्रतिमा हटाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। इसके विरोध में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने इंदौर कमिश्नर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के इस प्रदर्शन में एक युवक को चंद्रशेखर आजाद के स्वरूप में लाया गया। मोर्चा के इंदौर अध्यक्ष राजेश शिरोडकर ने आरोप लगाया कि अरुण सिंह ऐसे सीएम हैं जिन्होंने भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को देश से भगाने में मदद की थी। एंडरसन की वजह से भोपाल में हजारों लोगों की नींद में ही मौत हो गई थी। ऐसे में अर्जुन सिंह की प्रतिमा चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर लगाना पूरी तरह से गलत है। पीएम के नाम ज्ञापन सौंप मोर्चा पदाधिकारियों ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाए जाने से रोकने का अनुरोध किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि प्रतिमा स्थापित की गई तो मोर्चा पदाधिकारी उग्र आंदोलन करेंगे। प्रतिमा स्थापित थी जिन्होंने देश के प्रति अपना बलिदान दिया, आज देश को चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह जैसे वीर बलिदानियों ने आजाद करने में अपनी जान गंवाई है। आज वैसे महापुरुषों की प्रतिमा हटाकर वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है, तो मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ क्या ये उचित है? क्या ये शहीदों का सम्मान है कि आप ऐसे जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री जिसके शासन में गैस कांड हुआ जिसमें उन्होंने उस फैक्ट्री के मालिक को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसे भ्रष्ट व्यक्ति को उसी शहर में प्रतिमा लगाई जा रही है, ये कहाँ तक उचित है? अगर 7 दिन के अंदर प्रतिमा स्थापित नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा।